पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ चला है। गीता अध्याय नंबर 14 आप पढ़ रहे हो, अथ चतुर्दशोध्याय प्रथम मंत्र श्लोक में ही कह रहा है कि गीता ज्ञानदाता, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गई। अब दूसरे में क्या कहा है, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। ये मम साधर्मम का अर्थ होता है, मेरी वास्तविकता से परिचित तो हो जाएंगे वो फिर दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान के आधार से परम संत की खोज करके यहां से निकल जाएंगे। अब देखना, आपने एक और दो पढ़ लिया 14वें अध्याय का गीता जी का, अब 3, 4, 5 में स्पष्ट होता है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति काल और दुर्गा से। आपने पवित्र श्री देवी भागवत, पवित्र शिवपुराण, इन दोनों पुराणों से भी आपने पढ़ा कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इससे पहले इस 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ने से पहले आपको स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तभी, क्योंकि ये गुणों से संबंधित है, क्योंकि ये पवित्र गीता जी जो है ये कोड वर्ण है, ये कोड वर्णों में ज्यादा है, संक्षिप्त वर्णन है इसके अंदर, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है। ये देखना, ये है श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम, ये है श्री देवी भागवतम हिंदी टीका सहित भाग एक, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। अब इसमें देखें, ये है देवी भागवत, आप देखना इसमें ये तीसरा सकंद है, तीसरा सकंद यहां से प्रारंभ होता है, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। और इसमें यहां देखना, इसके 5वें अध्याय में, ये 5वां अध्याय, इसमें प्रश्न नंबर 11 पर भगवान शिवजी बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। अब ये तो आपने हिंदी पढ़ा, अब इसका संस्कृत पढ़िए। यह आपने 7वां
अध्याय समाप्त हुआ, सातवां श्लोक समाप्त हुआ, आठवां हिंदी पढ़ा। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। अब ये संस्कृत, वही सातवां समाप्त हुआ, आठवां श्लोक प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बनाया, और सुहित किमो सतोगुण हरि, और सतो हरि को यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अपन ये पवित्र श्रीमद भगवत गीता ये देखिएगा, अध्याय नंबर 14, ये श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का तीसरा श्लोक पढ़िए। एक दो आपने पढ़ लिया। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की, प्राणियों भूतमन प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं गीता ज्ञान दाता काल कह रहा, मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं, तथा उसके संयोग से, उस जड़ चेतन के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चौथा देखो, अब देखो, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति तो उनकी गर्भधारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। पांचवें में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। कहने का भाव यह है कि दुर्गा से उत्पन्न तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस जीवात्मा को यहीं उलझाए रखते हैं, ये पार नहीं होने देते, क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ विकार करते हैं, सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में हमारी मोह ममता फंस जाती है, और तमोगुण से हम नष्ट हो जाते हैं। अब एक प्रमाण और देखना है कि गीता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान आपने श्री देवी भागवत महापुराण में पढ़ लिया। अब ये गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म सरपुरुष ये भी नाशवान है, ये सुन कहता है गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में। ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर दो श्रीमद् भगवत गीता और ये है श्लोक नंबर 12। इस श्लोक नंबर 12 इसमें कहा, गीता ज्ञान दाता करा कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा भी जन्म मृत्यु होता है और तेरा भी होता है, हम पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं, और आगे भी जन्म मृत्यु ऐसे होती रहेगी। आगे देखना, अब चौथे अध्याय का और पांचवें श्लोक में स्पष्ट किया है ये है अध्याय नंबर 4 और ये है इसका श्लोक नंबर 5। इसका अनुवाद यहां किया है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। आगे 9वें श्लोक में क्या बताते हैं, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात
निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि यू कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं इसके। अब गीता ज्ञान दाता का भी जन्म तो होता है, लेकिन कहता मेरे जन्म अलौकिक है। और देख अलौकिक बताऊंगा कैसे है, जब आगे इस प्रसंग को हल करने के लिए कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामण मन मिटाई, इस एक पंक्ति को सिद्ध करने के लिए दास ने इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये इतने सदग्रंथ आपके सामने रखने पड़ रहे हैं, ताकि वो अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर जमा हो गया वो नष्ट हो जावे। अब देखिएगा दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता जी का अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म को, ये अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति अर्थात जन्म को लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि देवता आदि नहीं जान सकते, क्योंकि ये सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र पुत्री संतान नहीं बता सकती, वो तो पिता की उत्पत्ति को दादाजी बताएगा अर्थात पिता का पिता बताएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, अलौकिक बताता हूं कैसे है। जैसे एक ब्रह्मा जी की आयु 1008 चतुर्युग की है, इसको सीधे स्वयं 1000 चतुर्युग दे देते हैं, और इतना ही दिन है ना ब्रह्मा जी का, एक दिन आयु नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है और इतनी ही उसकी रात्रि होती है, हम इसको 1000 का लेते हैं। तो ऐसे एक दिन रात का एक, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बन जाता है, और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं अपने यहां के, ये एक ब्रह्मा जी की आयु का पैमाना है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होगी, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 जो त्रिलोकीय शिव हैं यानी काल के पुत्र हैं, 70,000 यानी 0.7 लाख की मृत्यु जब हो लेगी तब ब्रह्म लोक में रहने वाला ये काल सदाशिव ये ब्रह्म मरेगा, वहां भी ये 3 रूप धारण करता है और 3 ही शरीर छोड़ देता है। जब ये शिव वाला शरीर छोड़ेगा तब एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा, और वो एक युग वो काल मरेगा, वहां पर काल की मृत्यु होगी, सदाशिव रूप में वो काल मर जाएगा, उसका अंत होगा, और वो एक युग होगा परब्रह्म का, क्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का। ऐसे ही उस परब्रह्म की भी मृत्यु है, 1000 युग चतुर्युग नहीं है परब्रह्म की आयु में, चतुर्युग नहीं केवल युग है। 8वें अध्याय के गीताजी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में यह स्पष्ट किया है, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, पहले आप ब्रह्म लोक देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये देखिए एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, और ये एक ब्रह्मांड है पूरा, ये एक ब्रह्मांड है। तो इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक, ये विष्णु का लोक, इनके अलग 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 लोक भी हैं, ये इन 3 लोकों पर ये शासन करते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे ये पाताल लोक, इन 3 लोकों पर इन तीनों भगवानों का मतलब शासन है, अधिपत्य है। और ये काल जो है ये एक ब्रह्म लोक है, और यहां जो काशी बता रहे हैं ये वो काशी बना रखी है इसने,
जहां पर ये काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव और महाब्रह्मा रूप धारण करके रहता है। तो ऐसे जब ये त्रिलोकीय शिव 70,000 बार मर जाएंगे तब इसे ये ब्रह्मलोक में रहने वाला काल ये सदाशिव रूप में मृत्यु को प्राप्त होगा और ये दुर्गा भी साथ मरती है ऐसे ही। तो इसका इसकी मृत्यु होगी तब एक युग होगा, इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड है ज्योति निरंजन के, ये 21 ब्रह्मांड का चित्र है। ये जो आपने अभी ब्रह्मांड देखा था ये वाला, ये अब ये समझो एक गेंद सी। तो इसने 5 ब्रह्मांडों को मिलाकर के एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में रोका हुआ है और ऐसे इसने एक ये ब्रह्मांड बनाया है अलग से। ये बहुत ज्यादा क्षेत्र है, ये 21वां ब्रह्मांड है जहां पर ये काल अलग से रहता है। और यहां देखिएगा तो ये एक ब्रह्मांड में सब विनाश हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये स्वयं ऐसी इसको शक्ति प्राप्त है प्रभु की तरफ से। दुर्गा और ये काल दोनों फिर युवा रूप में प्रकट होंगे दोबारा, ऐसे श्री का मालिक की तरफ से बनेगा। तो ये फिर दूसरे ब्रह्मांड में अपना नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करेंगे, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव की, और फिर अपनी नई सृष्टि शुरू कर देंगे। तब तक ये एक ब्रह्मांड जो नष्ट हुआ है ये फिर अपने द्वारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने सुना है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी को कहते हैं, इस पृथ्वी को बने हुए 4 अरब कुछ वर्ष हुए हैं। आप विचार करना, ब्रह्मा जी की एक आयु जब समाप्त होती, ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है, अब 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है और ब्रह्मा जी का 1,000 चतुर्युग का एक दिन होता है, इतनी ही रात्रि होती है। अब जैसे ये पृथ्वी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुई तो 43,20,000 को 1,000 तो गुणा कर दो, 4,32,00,000,000 और इतनी जो है समय होता है। तो ये अपने आप एक बार पानी में पिघल जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं जा सकती ये अणु, और धीरे धीरे फिर ये वैसा स्वरूप ले लेते हैं, परमात्मा की लीला साथ होती है। ये परमात्मा का किया हुआ है, किसी विज्ञान से नहीं। जैसे एक छोटे से बीज होता है, अब तोरी का बीज देखो, घिया का देखो, इतना सा बीज होता है, जमीन में उसको गाड़ देते हैं और फिर देखो उससे क्या बनता है, फिर उसको क्या बन जाता है। एक जरा से पानी से हमारा शरीर बनता है, चीकले जैसा शरीर होता है, और फिर आज देखो कैसे अंग बना दिए मालिक ने। ये अपने आप नहीं बन गए, ये परमात्मा ने अपने समय और अपनी क्रिया से, अपनी शक्ति से और इन सबको आदेश दिया हुआ, ये अपने आप ऐसे निर्मित हो जाते हैं। तो जहां तक विज्ञान पहुंचेगी वो तो बहुत निम्न स्तर का ज्ञान होगा, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें विज्ञान भी अपना खेल कूद लेगी। तो अब क्या है कि जैसे एक परब्रह्म का एक युग वो हुआ जब एक ब्रह्म लोक में युग शिव मरेगा, काल मरेगा, सदाशिव काल मरेगा, और ऐसे 1,000 युग का ब्रह्मा का नौ परब्रह्म का दिन और इतनी ही रात होगी। ऐसे ही 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, ऐसे ही 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की है और उसका विनाश होगा, वहां के रहने वाले प्राणियों का भी विनाश होगा, जन्म मृत्यु होगी, केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर और सतलोक में गए हुए प्राणी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16, इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ब्रह्म लोक तक सब लोक पुनर्वर्ती में हैं,
अर्थात जन्म और मृत्यु, अर्थात इनका जन्म होता है, मरता है और ये लोक भी नष्ट होते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये इन्होंने अर्थ थोड़ा सा उलट किया है, कोई नहीं, हम अपने विषय को चलते। अब सत्रहवें में देखो, अब सत्रहवें में क्या कहा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण विदु, अह माने दिन, अहर माने दिन, ब्रह्मण माने सचित। इस ब्रह्म का अर्थ दो होते हैं, ये सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे सत्रहवें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मण का अर्थ किया है, यानी सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा। और यहां ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान, ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्म से नेक्स्ट यानी बड़ा। तो यहां परब्रह्म के विषय में जानकारी है। तो यहां लिखा है कि ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, चतुर्युग नहीं है इसमें, ये देखना अध्याय 8 का और श्लोक 17 देख, 17 सहस्र युग है, नोट चतुर्युग। सहस्र युग पर्यंतम अहर यत ब्रह्मण विदु, रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका अर्थ इन्होंने किया है कि ब्रह्मण, ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं, परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी, इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि स्पष्ट है एक सहस्र युग पर्यंत 1000 युग, और यहां इन्होंने चतुर्युग कर दिया क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। 1000 युग की समझो, 1000 युग की अवधि वाला और रात्रि को भी सहस्र युग, युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की, इन्होंने चतुर्युग लिखा है, 1000 युग की अवधि वाले जो पुरुष तत्व से जानते हैं वो योगी जन यानी वो संत इस काल के तत्व को जानने वाले हैं, इन दिन रात को सही जानते हैं। पुण्यात्माओं ये एक ऐसा अनमोल ज्ञान है, जितनी बार भी सुनोगे उतना ही आनंद आ रहा होगा आपको, और आना भी चाहिए। अब जो प्रसंग अपना चल रहा था कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी अंत में मरोगे तुम। जैसे ब्रह्मा जी की आयु और विष्णु जी की आयु तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 अरब इतने करोड़ इतने लाख युग तक वर्ष के हो गए, लेकिन काल की आयु उनका कैसे गिने, 70,000 जब शिव मर जाएंगे तब इसकी एक मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु होगी। यही कहती, इसलिए ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी जन्म मृत्यु तो है इसका सपष्ट स्वीकार है, और फिर ये भी कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जान सकते क्योंकि ये सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। अब फिर हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। नर नारायण देही पाकर फेर चुरा से जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जा मन मरुण मिटाही। अब इस एक सेंटेंस को क्लियर करने के लिए आपको कितना प्रमाण देने पड़े। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो उस संत के उप बलिहारी हूं जो जन्म और मृत्यु को नष्ट करे। कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामण मण मिटाई, उस संत के ऊपर मैं कुर्बान हूं जो जन्म और मृत्यु को नष्ट कर दे। ऐसा तत्वज्ञान रहसा हमारे को कोविज ही बता रहे। फिर क्या बताते हैं, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी आज तुम अपने परिवार को, कुल के व्यक्तियों को अपना मानते हो, ये भूल लगी। कहते हैं जब तेरी मृत्यु हो जाएगी कुल के लोग तुझे उठाएंगे और जंगल में ले जाकर शमशान घाट पर तेरा अंतिम संस्कार फूंक फाक देंगे, आग लगाकर कति खोज मिटा देंगे।
कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही। सबने एक सलाह की, कहेंगे भाई उठाओ उठाओ, अब इसमें कुछ नहीं है, मिट्टी है, इसमें बदबू हो जाएगी, शीघ्र करो, जल्दी करो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, बांध पिंजड़ी अग धर लिया मरघट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, वेद बांध फिर गुरुजी आए पीछे गरुड़ पुढ़ाई। अब ये पुराणों की गिठड़ी बांध का है, फिर ये गुरुजी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, क्योंकि पहले ब्राह्मण गुरुजी थे अपने, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब गरुड़ पुराण को पढ़कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई ऐसे बुरे कर्म करता था उसका हाथ कट गया, उस ऐसा करता था उसका इकलौता पुत्र मर गया। फिर कहते हैं यम के दूत पकड़कर ले जाते हैं इस प्राणी को, ऐसे भयंकर पीड़ा देते हैं वहां पर, ये ऐसे दुख पाता है, वहां भोजन भंडारे लगे होते हैं, और ये कहता मुझे भूख लगी है यम दूतो। यम के दूत कहते हैं तूने साधना ठीक नहीं की, तुझे कुछ आहार नहीं मिलेगा, ना जल मिलेगा, मर प्यासा ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं, पैर जल जाते हैं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि उस मृत्यु के बाद वो मरने वाला प्राणी तो चला गया, अब गुरुजी उसके मरे पाछे पाठ कराकरण लग रहे हैं, ये ज्ञान सुना रहे हैं ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा एक आदमी करता था उसका ये हो गया। अब परमात्मा कहते हैं उसको जिंदगी पहले सुनाना चाहिए था, ये गरुड़ पुराण तो मरने से पहले सुनाना चाहिए था, ताकि बुरे कर्मों से बचता और पाप ना करता और कुछ धर्म के काम कर जाता। अब मरने के बाद उसको प्रत्येक कितना गरुड़ का पाठ करो, कोई लाभ नहीं होने वाला। अच्छा, गरुड़ पुराण का पाठ कराया कि उसकी गति कराएंगे होगी, उसके बाद क्या होता है कि प्रेत शिला पैजा विराजे पितरो पिंड भराई, बहुर सराध खान को आए काल भये काग भये कलमाही। फिर क्या कहते हैं, गुरान 7 दिन तक गुरु का पाठ किया, उसकी गति मोक्ष हो गया। फिर कहते हैं इसकी 13वीं करो, और पहले वो जो शमशान घाट पर उसकी अस्थियां पड़ी थी उसको गंगा में प्रवाह करके आओ, इसकी गति हो जाएगी। कहां से गति कराने लगे थे, और फिर कहते हैं श्राद्ध निकालो, 13वीं करो, 6 माही करो, वर्षी करो, और कहते हैं श्राद्ध करो इसकी गति होगी, फिर पिंडदान करो इसकी गति होगी। परमात्मा कहते हैं भूत जुनी जा छूटे है पिंड प्रदान करते, गरीबदास कबीर कहे नहीं मिले भगवान। तो के जो क्रिया तुम करते हो उससे भूत जुनी छूट गई और गधा बन गया, बता के मोक्ष करा दिया उसका, तेरा गधे को। कहते हैं रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। हमारे कोई नालायक अज्ञानी गुरुओं ने कितना मूर्ख बना रखा था हमारे पूर्वजों को। कहते हैं अपने इष्ट धाम पर जाकर बच्चे के बाल उतरवा काओ, अब बताओ उस धाम पर बाल उतरवाने से क्या वो इष्ट प्रसन्न होगा, नहीं। तो क्या करते थे, बुढ़िया अपनी पुत्रवधू ने साथ लेकर, साथ में लड़के ने, बेटे या बेटी ने, पोती या पोते ने साथ लेकर जाती थी और गुड़गामे वाली माता पे या जो भी जिसका स्थान जहां वहीं उतरवाते थे पारो, और वहां जाकर कहती थी उस नाई को, क्योंकि वहां तैयार बैठा रहता था नाई के बाल उतरवाने आएंगे, उसको वो बुढ़िया कहती है कि भाई नाई के मेरे पोते के बाल उतार दे, और देख रहे जानते हैं कदे कहीं इसको कैसी ना लग जा, कच्चा सिर है मेरे बेटे का, मेरे पोते का, और उसको बहुत प्यार से बैठाती है। परमात्मा कहते हैं
अपने बच्चे की तो इतनी चिंता कि कदे कैंची भी ना चुभ जा, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटी जा रहा है बोड़ी सी दुनिया। अपने लला के बाल उतरवा वह देख कैंची ना लग जाइया, एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटिया रबोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर वो बाल उतरवा के न और उस मंदिर में डालेंगे, चढ़ा देते हैं, और पुजारी उनको न्यारे लेकर के अलग से अरे कट्टे में भरता रहे सबके, और शाम ने उसने कुरडियां पर फेंक दिया उसने उस कट्टे ने बाड़ों के बाहर कुरड़ियों पर डाल दे, और कौन सा बैंक में जमा कराओ उन्होंने, और केवा देवी उन्हें शर्मा मारेगी उन बालों को। तो ये हमारे को मूर्ख बना रखा था। फिर क्या बताते हैं, काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया। अब हमने देखा करते हैं हमारी दादी जी माता धो क्या करती है, वो कते नो क्या करती ना, तुमने ना दी गुलगुल्या इन पूड़ों को, क्यों ना ये माता के है, ये खान के कौन थर कलजम रह जाएंगे, कि वो काचे पाके बना करते बेरा था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना है तो वो बना के काचे पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गया रे बोड़ी सी दुनिया, एक सतगुरु बिन कैसे सरिया, कैसी पूजा करा करते। उस ऐसे पांच साल इतनी ऊंची मेड़ी मंडी ही बना रखी होती है, और वहां जाकर के वो जो भी बना रखा था माता का दलिया खिचड़ी पूड़े या गुलगुले वो वहां डाल देते, और कुत्ते तैयार खड़े रहते, एकदम बुढ़िया नीचे उतरी उतरन से पहले वो फट दे चढ़ जाते, और उन माता तो पहले वो सारे तो गुलगुले पूड़न खा जाते हैं, चलते हैं माता का जो है ऊपर पेशाब करते तार मारते। परमात्मा कहते हैं कि उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर दिया उस माता न थरी ने, अगर तुम्हारी वह रक्षक है ऐसी मूर्ख साधनाओं पर हमें आधारित किया हुआ था किन इन अज्ञानी ऋषियों में ऋषियों गुरुओं ने। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप के लठम लठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोच का महीना वो कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं जब पिताजी जीवित थे तब तो उसका कोई कदर करी नहीं, तीन बेटे हैं तो नो कहेगा एक दिन एक महीने रोटी अगर एक खा ले है तो उसने बोझ बन जाता है बुजुर्ग, फिर बुढ़ा समझ जा है अपनी पुत्र वधू की नजर ने अकीविया राजी को ना, तो दूसरे का नहीं चलता है, महीना भी इस दिन में वहां से भी उसकी टिकट कट लेती है, फिर तीसरे की तरफ जाता है। एक समय एक बुजुर्ग को अधरंग मार गया, चार बेटे उसके, और उन चारों पुत्रों को वो पहले उनका थोड़ी सी जमीन थी, किसान था वो, चार एकड़ जमीन थी उस समय, उसने कहा था मैंने 16 एकड़ जमीन इनको लेकर दे दी चारों का, चार चार एकड़ जमीन आवे पांच पांच जैसा भी उसने कहा था कि इतनी और काफी अच्छी जमीन उसने सारे जीवन में पशु की तरह मेहनत करके ऐसे किया। फिर उसको पैरालिसिस हो गया बुढ़ापे में, तो उसमें बच्चे चारों न्यारे न्यारे पुत्र, तो उन्होंने एक एक महीने के लिए बुजुर्ग की सेवा बांट ली, एक पर नहीं हुई, एक दो महीने छह महीने बड़े ने की, लेकिन फिर वो भी हाथ खड़े कर गया, भाई मेरा के अकेलेगा बाबू है तुम भी सेवा करो, तो वो दूसरे का नंबर आ गया। अब एक महीने में दूसरा छक लिया, फिर तीसरे का चौथे का, आखिर में उसकी बहुत बुरी हालत होगी, कोई संभाल नहीं रही। तो आसपास के मौजूद से आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने बच्चों को समझाया, तो सब नाट गए, मेरे बस का नहीं, यू कर लेगा वो कर लेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि भी इसके इसके जो इसके हिस्से के जो एकड़ जमीन है, तीन किले आवे हैं चार आवे हैं, ये इसके दे दो,
वो बोले हम तो एक किले दे देंगे, परिबाबू की सेवा मारे पर नहीं हो, पिताजी की सेवा नहीं हो सकती। अदरंग पर है मार रहने टट्टी भी होगा, इसका सारे पेशाब भी करे, कौन दो है, कैसे करे, ऐसा मतलब उनकी नीयत बच्चों की है। इतने मलिन विचार हो गए। अब वो कहा भी ठीक है, इसके 4 एकड़ जमीन दे जाएंगे, और जो इस 4 एकड़ जमीन ने लेगा वो बूढ़े की सेवा भी करेगा। तो लालच में बड़े वाले ने कहा ठीक हम कर जाएंगे। अब वो 4 एकड़ जमीन भी दे दी, फिर भी ना सेवा हुई। 1-2 महीने के बाद वो भी छक लिए, अगले 4 एकड़ भी लो और बूढ़ा भी लो। फिर वो दूसरे का नंबर, वो दूसरा भी छक लिया। तीसरे ने पहले हाथ जोड़ लिया, एक मन जरूरत को ना, छोटे में लाल लोभ गणा करे बूढ़ा। तो 1-2 महीने में वो छोटा भी छक लिया और बूढ़े की फिर बिरान बैठी। तो वो कर लिए, रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए भाई समाधान करो इसका। तो उन्होंने क्या किया भाई, इसके लिए एक नौकर छोड़ देंगे और 2-4 एकड़ में इसकी कमाई आवे है वो उसको, उससे वो नौकर को देते रहेंगे। अब वो बुढ़ा उधर से, तो वो कतीना ट्री है, पोता आया छोटा सा, और वो बुजुर्ग जो है ना पड़े पड़े नौकर पोते ने बोला जा नहीं उतर, इतना प्यार दे उसने, ये पोता तेरी टाट काटेगा, बेटिया ने तो कर दिए गहरे। यानी वो ममता अब भी उसके अंदर फंसी पड़ी है उन पुत्र पोत्रों में, और बिरान मट्टी हो रही है। अब क्या बताते हैं कि जीवित बाप की तो याद रुकती करो तुम, और मर जा जब उसने कहा इसने गंगा में छोड़ कर पहुंचा का, गंगा में इसकी अस्थि पहुंचानी चाहिए ताकि पिताजी की मुक्ति हो जाए। वैसे मुक्ति तो ना पहुंचाते, वो डरते गैर काम है, क्योंकि इस जीव का, इस जीव में इतनी जो ये ममता मोह भरा हुआ है भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के गुण से इसमें इतनी ममता भर जाती है, इतना मोह फंस जाता, जैसे पार्वती जी अपने पिता के घर पर हवन कुंड में जड़कर मर गई थी, अस्थि पंजर रह गया था, उसको भगवान शिव उठाए फिरे गया पार्वती जान कर, इतना मोह फंस गया। ऐसे ही ये शरीर जब हमारा समाप्त हो जाता है, जो भक्ति नहीं करते, सत भक्ति नहीं करे, उनकी बात आपका नहीं, तो वो शरीर के साथ उन अस्थियों को भी जो जीव अपनी मानता है भूत बन जाए, वहां से जाते इसकी टिकट कट जाए, एक रात तय रहे वह तपस्या पे है, फिर यू अपना लेखा जोखा करा कर 5-7 दिन में वहीं आ ले है, उल्टा है पटक दे उसने भूत बनकर, फिर घर न आवे, घर न देखे तेरा शरीर नहीं, फिर वो जाता कहां, तेरा शरीर जिसमें तू रहता था उसकी, वहां उन अस्थि जो शमशान घाट पर अस्थि पड़ी हो उनके चिपक जाए जाकर, ये मेरी है। तो इसलिए उसको उठा करके ले जाते हैं कि साथ की साथ चला जाएगा वहां पर, वहां अस्थियां चिपका और इसने उड़ डबोया वांगे गंगा में, यो हमने ना से देगा दुख ना देगा पिताजी या माता जी, इसलिए अस्थि गैर कावे हमारे भक्तों का ना, तो ये ममता रहे सीधे सतलोक जाएंगे या पुनर्जन्म हो जाएगा जो अभी भक्ति जिनकी कच्ची रहेगी, और मनुष्य जन्म होगा और इस भक्ति काल के अंदर वो तुरंत ही पार हो जाएगा। अब नहीं रहेंगे यदि जो सच्चे दिल से निष्कपट भाव से और मर्यादावत लगे रहे, तो 1-2 जन्म वैसे तो हमने नहीं बढ़ाना है, वैसे मतलब एक बहुत बड़ा ऑप्शन बता रहा हूं। तो क्या कहते हैं, जीवित बाप के लठम लठा मुए गंग पोचैया, और फिर आवे आसुज का बहिना ने क्यों कौवा बाप बनाइया, इन गुरुओं ने देखो किस किसा रोग काटा, कहां से मोक्ष कराने लगे थे, फिर सरहद निकालते हैं, कहते ऊपर रख दो सबसे पहले, तेरा हो सकता तेरा पिताजी कौवा बन गया हो, वो खा लेगा भोग लग जाएगा उसके, और कौवे तो तैयार बैठे रहे हैं ऊपर धर के देखो सामान बढ़िया दही रोटी वगैरह कुछ भी बना के खीर खांड 1 मिनट मा ले, कहते कौवे ने भोग लगा दिया तो तेरे पिताजी का भोग लग गया। अपने के वो कौवा बाप बना दिया, लगे थे उसकी मोक्ष कराने, गुरुड़ पुरुण प्राण पढ़ के तिर मी करके फूल उठा अस्थि उठा के फिर छह माई करके वर्षो वर्षी करके फिर श्राद्ध निकाल के फिर पंड भरवा के वो करवान लगे थे मोक्ष बना दिया कौवा। इवनों के तेरा पिताजी कौवा बन गया, इसको भोग लग गया,
अरे तेरा गदवई। नरसे ती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन बोरे है कि तकुरडी चुरडे जाई। अब जैसे हम मनुष्य शरीर में है, कितना सुंदर आहार करते हैं, समय पर भोजन, एक सब्जी दाल या सब्जी तो अवश्य बना लेते हैं और कभी कभी लड्डू जलेबी का भी सूत बैठ जाता है ब्याह शादी में, और भी बहुत समय पर हम प्यास लगती है जल पी लेते हैं, भूख लगती है रोटी खा ला कि चलते फिरते हैं चाय पानी बनवा ले भाई चाय पी लेते हैं। अर्थात हम अपनी भूख और प्यास को समय पर जो है ना सेट कर सकते हैं। और एक परमात्मा का नाम ना लेने से क्या होंगे कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ओए होए होए कर्जा पाठ जा आदमी का। पर हम ज्यादा अभी हमारी ये भांग का नशा उतरा नहीं है। कौन सी भांग का? इस माया की भांग का। परमात्मा कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या तो कुआ भांग पड़ी। और जिसका ये नशा उतर गया कलेजा धक धक करेगा, का बैल बनेंगे कितनी, और कुत्ते गधे सुअर बन जाएंगे। अब कितनी सर्दी है, आप लोग रजाई ओडे बैठे हो फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। और देख भक्ति ना करने से पशु बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे बाहर, और गली के अंदर हमारा विश्राम होगा। आहार क्या होगा आपको मालूम है। एक बैल बन जाता है, बैल के नाक में एक नाथ डाल दी जाती है, और किसान के हाथ में रस्सा होता है, एक हाथ में डंडा होता है, और सुबह ले जाता वक्त से खेत में उसको जोत देता है। एक घंटा काम करने के बाद भूख लग जाती है उस पशु को, और वो खाना चाहता है। आसपास खेतों में हरी भरी घास होती है, लेकिन किसान उसको मुंह नहीं लगाने देता क्योंकि उसने अपना खेत जोतना है। उसके बाद दोपहर को सूखा अलग घास कहीं से मिलेगा, चारा उसको वो खिलाएगा और फिर शुरू कर देगा। एक बार दोपहर में दोपहर को पानी पिलाओगा या फिर चलते समय, चाहे वो दिन में कितना प्यासा मरो कितना भूखा मरो, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मुंह में जबान रही नहीं, पेट में दर्द है मनमान, और वो खाना छोड़ दिया जाए। पैर में कील लगी है और पट्टी गोड्डे का बांधी जा रही है। इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं जब ये आंख बन गई ज्ञान वाली। तो एक हमारे बैल था, उस बैल के पैर में एक इतनी 1.5-2 इंच की कील गड़ गई, खुरों के बीच में, पिछले खुरों के बीच में चल गई। उसके ऊपर वह कैप नहीं थी, टोपी ही ना थी, वह टूट गई थी। उसको कंडम करके किसी ने कब मैंने गली में फेंक रखी थी, और आली वक्त से बैल लेकर गया था, वो बैल कैद चल गई। और जल्दी जल्दी में एक दो बार पैर कदम रखे उसके वह अंदर घुस गई। अंधेरे का समय था जब, तो हाली ने ध्यान नहीं दिया, सोचा भी नस पे नस चटगी होगी। और ऐसा कुछ बताते थे जो दूसरे बुजुर्ग हाली के, बैल के अगर लंग हो जावे तो उसने चलने से बंद नहीं करा, नहीं तो वो ज्यादा हो जाती है, और चलते रहने से वो नस पे नस चढ़ी हुई उतर जाया करती है। इस दृष्टिकोण से हमारे जो चाचा जी थे हाली, उसने बैल को काम से नहीं छोड़ा, सारा दिन काम लेता रहा। और शाम के समय उसका पैर सूज गया, सूजन आ गई, और एक पैर को कती नहीं टेका है, तीन पैरों से ऐसे ऐसे आ रहा। सुबह वो ना उठा ना चारा चरा उसने ना पानी पिया। सुबह हाली उठाने लगा उसी दृष्टिकोण से कि इसको चलाते रहेंगे, तो वो उठा नहीं, मुंह बालिया जीभ निकाल ली और आंखों में पानी पड़े। तो मेरे पिताजी और ताऊजी ने कहा भाई आज इसने छोड़ दे, पैर सूज गया, ये कुछ और दिक्कत है, दिखाएंगे किसी को। तो किसी पड़ोसी का बैल मांग करके उधारा एक दिन वास्ते, ऐसे साथ जेब कर लिया करके ले गया। तो वो बैल एक महीने तक बैठा रहा, उठा भी नहीं वहां से, उठाया नहीं जा उसने, खाना पीना छूट गया। तो उसको क्या था, जैसे वहां पहले समय में ऐसे ही
सर्जन होया करते हैं डॉक्टर काम के जैसी, वो कहने लगे भाई इसके जो है गोड्डे में बा आ गया, क्योंकि गोड्डे घुटनों से ऊपर तक सोजस आ गई थी, तो उस घुटने के ऊपर पट्टी बंद है गरम गरम, उसके कील लाग रही खुर में और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। जो भी वो बता नहीं सकता बोल के कि मेरे कहां चोट लगी है, के दुख है और कितनी पीड़ा, आंखों में पानी, तारा छूट गया, कति सूख गया। तो 15-20 दिन महीने के बाद उसमें से खुरों में से वो पाक के अपने आप उसमें मवाद निकलन लग गया। तब देखा घर वालों ने भाई ये तो इसके पैरों में कोई गड़बड़ है, पहले देख लिया था बल्कि जब ताजे ताजे हाथ उठ मार के वो की तरड़की नहीं वो कील, क्योंकि अंदर घुस गई डड़े लाग लाग कर उसके नीचे कंकरों से अंदर घुस गई कति। तो फिर वो बुलायक उसने चिमटी ही तो वो निकाली, इतनी लंबी कील निकली। उसके बाद वो बैल सारा चरण लग गया और 15-20 दिन में जाकर स्वस्थ हुआ। अब वो बातें याद आती हैं कि एक जरा सी भक्ति, पहले वो नालायक कभी मनुष्य जीवन में होगा उसने सोचा भी ना होगा तेरी ये ब्रह्म मट्टी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं आज परमात्मा याद दिलाते हैं कि नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मनवोरे की तो कुरड़ी चढ़ने जाए। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु पूर्ण संत की तुम संगत करते ये सभी कर्म समाप्त हो जाते, ना बैल बनना ना गधा बनना ना कित पित्र बनना ना एक श्राद्ध निकलवाने, क्या है कि भी जरूरत नहीं, सकल कर्म कट जाई, सब पाप नष्ट हो जाते और सतलोक में तुझे सथाई स्थान मिलता। सुरत निरत मन पवन प्याना शब्द शब्द समाई, गरीबदास गलतान महल में वो मिले कबीर गुसाई। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदो तीन के हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारी, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ
बोर पिता कूलाज मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संवारी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े जैसे कागज हाज का सूजत और नठोर पूरण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर समय समय पर आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सजग करते हैं कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो, यहां तुम बहुत कष्ट उठा रहे हो, आपका मूल स्थान सत्यलोक है, आप वहां से यहां आ गए हो अपनी नालायकी के कारण, और परमात्मा फिर याद दिलाते हैं कि तुम वापस वहीं चलो, वहां जाकर के तुम्हें पूर्ण सुख होगा, या किसी प्रकार की बीमारी है, कोई बीमारी यानी रोग से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई संतान से दुखी है, या कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए वो सुख सागर सतलोक में आप चलिए, यहां पर तुम्हें कभी भी सुख नहीं हो सकता। यदि आप राज प्राप्त करके सुख मानते हो तो राज भी आपका बहुत समय तक नहीं रह पाएगा, और यदि आप संतान को से सुखी हो, संतान को सुख मान रहे हो, तो संतान भी न जाने कितने समय तक आपका उनके साथ संयोग है, आप ही की मृत्यु हो जाए या बच्चे की, बेटा या बेटी की ही मृत्यु हो जाए, तो वो भी आपका सुख स्थाई नहीं है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो, भाई तन दर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो, भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो,
आसा तृष्णा सब में व्याप्य, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। भाई तंदर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेका हो, सबका। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, भाई तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सत्साही परमात्मा बताते हैं कि यहां पर कोई भी प्राणी चैन से नहीं रह पा रहा और ना ही रह पाएगा। जैसे घाटे बाधे सब जग दुखिया, घाटा बाधा हानि लाभ, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। जिसको हानि हो जाए वो भी दुखी, जिसने लाभ हो जाए वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? हानि वाला तो दुखी है, ये लाभ वाला कैसे दुखी? कि लाभ वाले को मान ले किसी एक किसी बिजनेस में 2 लाख रुपए की का लाभ हो गया, वो क्या करता है कि उसी दृष्टिकोण से वो 10 लाख रुपए का आगे कोई काम शुरू कर देता है और उसमें उधार सुधार लेकर ब्याज ऋण वन पर ले लवा कर शुरू कर देता है। उधर से बिजनेस ठप हो जाता है। अब वो मांगने वाले पीछे पीछे वो जिसको वादा हुआ था लाभ हुआ था वो आगे आगे छुपता फिरता है। पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारे ऊपर इतना कुफर तोल रखा है, हम एक दूसरे को दुखी देख करके अपने उसकी तुलना में अपने दुख को कुछ कम मानकर हम सुख मान लेते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरे एक लड़की उत्पन्न हुई,
ऐसा दुर्भाग्य उस बेटी का कि उसके गुदा नहीं थी, टट्टी का रास्ता नहीं था। इतना चिंतित हो गया, हे भगवान ये क्या होगा, बेटी के क्या होगा। कहते हैं फिर इसी दृष्टिकोण से उसको फिर मेडिकल में लेकर गया, वहां 5 केस और पाए गए इसे, तो फिर जो मन को राहत मिली, अब चलो और भी मेरे जैसे दुखिया है, बता फिर तुझे क्या लाभ हो गया और दुखी मिल गए थे तेरे जैसे।